निरंगुला केंद्र पर अनिल कौशिक के सवाल पर संपत सेवाले का पलटवार, बोले राजनीतिक रंजिश में उठ रहा मुद्दा। यहाँ पर भी ट्रस्ट बनाई हुई है, इसमें कब्जा होगा और फिर संपत सेवाले का ऑफिस होगा। ये मकसद है, पब्लिक कुछ नहीं पता। सब करने के बाद भी ये बोलता है कि पैसा लिया। संपत सेवाले ने एक रुपया भी लिया होगा, उसका चाय भी पिया होगा तो मैं चैलेंज देता हूँ उसको, दिखाओ। और हर काम में जो बोलता है कि संपत सेवाले का फैमिली, संपत सेवाले का कुटुंब भ्रष्टाचार, तू दिखा ना मेरे को कौन से जगह पे संपत सेवाले ने अनधिकृत काम किया है। संपत सेवाले ने बिना काम का कौन सा बिल निकाला है, दिखाओ हमको। वासी के इस बिरंगुला केंद्र को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक के आरोपों पर आज बीजेपी नेता संपत सेवाले ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अनिल कौशिक राजनीतिक फायदे के लिए जिस बिरंगुला केंद्र का निर्माण रोक रहे हैं, उसे मनपा आयुक्त और दर्जनों अधिकारियों के सिग्नेचर और महासभा की मंजूरी प्रक्रिया के बाद निर्मित किया जा रहा है। संपत सेवाले ने सवाल उठाया कि अनिल कौशिक डिप्टी मेयर रह चुके हैं, फिर भी उन्हें यह प्रक्रिया का पता क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सब राजनीतिक रंजिश है, वरना वे मुझ पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाते। महापालिका का कोई भी फाइल जब भी बनती है, वो प्रस्ताव बनता है, तभी कम से कम 9-10 लोगों का उसके ऊपर सिग्नेचर होता है और कमिश्नर ने सैंक्शन करने के बाद इसका टेंडर निकलता है। इसका मतलब ये 7-8 लाख में काम होता है और ये 27 लाख में कैसा गया, इसका मतलब ऐसा है कि गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार है। गवर्नमेंट में जो खर्चा हुआ है, महापालिका ने इसका टेंडर निकाला है। अभी टेंडर निकलते टाइम 3 लाख के ऊपर ई टेंडरिंग होता है। संपेश्वर का कंपनी नहीं है, वही टाइम ऑल इंडिया का नेट क्या संपेश्वर ने बंद करके रखा था क्या? तभी उसको मालूम नहीं क्या कि वो 2 बार नगर सेवक बन गए थे, डेप्यूटी मेयर भी थे। तो डेपोटी महापालिके के डेपोटी मेयर को मालूम नहीं कि अपने महापालिके में जब भी कोई भी प्रस्ताव आता है तो इतना सिग्नेचर होता है, तो उसको मालूम नहीं है। मालूम होता था तो मेरे ऊपर या मेरे फैमिली के ऊपर ये आरोप नहीं कर सकता था। बता दें कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक लगातार इस बिरंगुला केंद्र को लेकर संपत सेवाले पर हमलावर हैं। कौशिक आरोप लगाते हैं कि पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, साथ ही जो काम 7 लाख में हो सकता था उस पर 27 लाख का खर्च करना भ्रष्टाचार है। इस पर भी संपत सेवाले ने जवाब दिया कि कौशिक के बेटे आर्किटेक्ट हैं, क्या वे लिख कर दे सकते हैं कि 7 लाख के खर्च में ही इस बिरंगुला केंद्र का निर्माण हो सकता है। बीजेपी पदाधिकारी ने कहा कि मैं कांग्रेस जिलाध्यक्ष को चुनौती देता हूँ कि वे मेरा भ्रष्टाचार साबित करके दिखाएं और खुद का भी बताएं कि वे इस बुलंदी पर कैसे पहुंचे। वो जो बोलता है कि ये 7-8 लाख में हो सकता है, तब बोलने का ये मतलब है कि आपने ही बताया वही दिन मेरा एक लड़का डॉक्टर है, एक लड़का आर्किटेक्ट है, वो आर्किटेक्ट ने लिखने दो एक काम 7-8 लाख में हो सकता है क्या? उसको मालूम नहीं है कि 3 लाख के ऊपर ई टेंडरिंग होता है, अभी मैनुअली नहीं है, पैसा बढ़ने वाला है, वो आयुक्ता ने मंजूर किया है, टीपो ने मंजूर किया है, इतना स्क्वेयर फीट में बांधने का है, उससे 1 फुट भी ज़्यादा नहीं बांधा है। ये टीपीओ झूठ, कमिश्नर झूठ, सिटी इंजीनियर झूठ, डेपुटी झूठ, एग्जीक्यूटिव झूठ, जी झूठ, सभागृह भी झूठ, स्टैंडिंग कमेटी भी झूठ, ये अकेला सच है क्या? अभी उसको लेके आरोप एक ही है, पॉलिटिक्स, उसको एक ही दिखता है, संपत सेवाले का फैमिली। बताना जरूरी है कि जिस वासी सेक्टर 17 के प्रभाग 63 में यह बिरंगुला केंद्र है, वह नोइंबई का सबसे बड़ा कारोबारी वार्ड माना जाता है। यही वजह है कि यहाँ हर कोई अपना राजनीतिक वर्चस्व कायम रखना चाहता है। दरअसल बिरंगुला केंद्र के बहाने अनिल कौशिक और संपत सेवाले के बीच की यह लड़ाई मनपा चुनाव में जीत के लिए गरमाई हुई है। संपत सेवाले ने इस पर भी प्रतिक्रिया दी और अनिल कौशिक पर पलटवार किया। अभी आपको मालूम है कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन आने वाला है, मेरे अगेंस्ट 2 बार वो हार चुका है, 3 बार लगातार 3 बार हारा हुआ है। ऐसे आदमी जब भी दूसरे के ऊपर उंगली उठाता है तो 3 उंगली अपने पास रहता है ना,
अभी तक 10 साल में उसने खुद के पैसे से क्या बांधा है बताओ मेरे को। एक तो सुलभ शौचालय या यूरिन का तो किधर बनाया क्या? हाँ बनाया होगा तो मेरे को दिखाओ। और एक काम बोलता है कि दूसरा जगह दे दो, पालिका ने जगह देने दो, हम उधर खुद खड़ा कर सकता है। इतना आप तो हरिश्चंद्र राजा नहीं बन गए आप। हरिश्चंद्र राजा होता था तो आप आज 20 साल के 25 साल के पहला क्या था और अभी क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।